प्रियंका वाड्रा अपने आप को प्रवासी मजदूरों और उससे भी ज्यादा यूपी के प्रवासी मजदूरों की चिंता में गली जा रही है। 1000 बसों के साथ बॉर्डर पर तैयार खड़ी हैं कि योगी आदित्यनाथ आदेश दे तो सबको प्रियंका वाड्रा घर पहुंचा दे। लेकिन प्रियंका वाड्रा को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि योगी जी सच में अनुमति दे देंगे। योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका वाड्रा को बसों की अनुमति दे दी और उनसे बसों की डिटेल, नंबर, फिटनेस प्रमाण पत्र और ड्राइवरों की जानकारी मांगी और बसों को लखनऊ भेजने को कहा। योगी सरकार के ऐसा करते ही प्रियंका वाड्रा एंड कंपनी के हाथों से तोते उड़ गए। आनन फानन में कांग्रेस की तरफ से बसों की लिस्ट भेजी गई, जांच की गई तो पता चला कि इस लिस्ट में थ्री व्हीलर, मोटरसाइकिल और कार के नंबर दर्ज हैं। मतलब कि प्रियंका वाड्रा 1000 बसों के नाम पर महज सियासी ड्रामा करना चाहती थी और असल में 1000 बसें उनके पास है ही नहीं। पोल ना खुले इसी वजह से कांग्रेस ने बसों को लखनऊ भेजने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने दावा किया है कि कांग्रेस ने राज्य सरकार को जो बसों की लिस्ट दी है उसमें कई नंबर तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और कार के हैं। सीएम के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने इसकी लिस्ट भी जारी की है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार को मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस की ओर से 1000 बसें देने की पेशकश की थी। इसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया और प्रियंका गांधी को बसों की लिस्ट राज्य सरकार को सौंपने को कहा था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने दावा किया है कि इस लिस्ट में घालमेल है। कांग्रेस द्वारा सौंपी गई लिस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने एक वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र किया है। 10 नवंबर 2016 को रजिस्टर हुई वाहन संख्या UP83T1006 की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि ये बस नहीं बल्कि एक थ्री व्हीलर है। इसी तरह मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि RJ14TD1446 एक बस न होकर बल्कि एक कार है। 2-3 और वाहनों के साथ भी ऐसा ही मामला है। बता दें कि यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की ओर से भेजी जाने वाली 1000 बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर और परिचालक का पूरा ब्यौरा मांगा था। इसके बाद कांग्रेस की ओर से वाहनों की लिस्ट यूपी सरकार को भेजी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।